फिरोजाबाद में कई मेडिकल स्टोर्स पर चल रहा है सिरप में दवा मिलाकर बेचने का धंधा। पतले लोगों को मोटा करना और ताकतवर बनाने के लिए सिरप में दवाई मिलाकर बेचते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले। कई न्यूज ने चार मेडिकल की पड़ताल, चारों के यहां निकला सिरप में दवाई मिलाने का खेल। आखिर क्यों कर रहे हैं मेडिकल वाले युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़? क्यों नहीं होती ऐसे मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई? उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त हिदायतों और नियमों के बावजूद फिरोजाबाद में कई मेडिकल स्टोर्स पर दवाई मिलाकर सिरप बेचने का घिनौना खेल चल रहा है। युवाओं को ताकत और मोटापा बढ़ाने का दावा करते हुए मेडिकल स्टोर वाले खुलेआम सिरप में अन्य दवाइयां मिलाकर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये न्यूज की टीम ने जब पड़ताल शुरू की और क्या ये न्यूज टीम ने चार अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पर पड़ताल की और हर जगह सिरप में दवाइयां मिलाने का मामला सामने आया और चारों जगह यह धंधा बेखौफ जारी था। और बड़ी बात यह कि ड्रग विभाग की कार्रवाई अब तक नदारद है। अब आप सिलसिलेवार समझिए। पहला मामला आकाशवाणी रोड स्थित इरशाद मेडिकल का है, जहां पूर्व पार्षद इरशाद का खुद का बेटा इस खतरनाक धंधे में शामिल है। नाबालिग होते हुए भी वह सिरप में दवाइयां मिलाकर ग्राहकों को बेच रहा है। इरशाद ने अपने बेटे को इस धंधे की पूरी छूट दे रखी है। दूसरा और तीसरा मामला मटसेना रोड पर स्थित गंगा मेडिकल और दुर्गा मेडिकल स्टोर्स का है। यहां पर भी वही स्थिति है। दोनों मेडिकल स्टोर्स के मालिक बेखौफ होकर सिरप में दवाइयां मिलाकर बेच रहे हैं और ग्राहकों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वे ग्राहकों को दवाई पीने की डोज तक बता रहे हैं। सिर्फ घिनौती को मैंने कहा ये क्या चीज़ है, जाए ले लो कुछ दे, ये क्या चीज़ है। सिरप तो खाली 50 रुपया सारा महंगा आता है, उसको कौन तैयार करता है वही काम करता। अरे ये क्या चीज़ है, चार सिरप पी ली उसके बाद एक डिब्बा ले लिया, जैसे तुम हो जाओगे वैसे ही रहोगे। और यही हाल चौथे मेडिकल स्टोर का है, जो चार बाग रामनगर में स्थित गोयल फार्मेसी है। हाँ मैं 10-10 ही मिलाऊंगा, मैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में जैसे 20-20 मिलाएंगे तब तक मिलाया जाता है ना क्वांटिटी में। और मुझे का अपनी शौक करूँगा, मैं अपनी दवाई लुटा दे करूँ, यही बात था। इस मेडिकल के मालिक ने भी KIA न्यूज संवाददाता को दवाइयां मिलाकर सिरप बेचा। बाद में उसने सफाई दी कि ग्राहक की मांग पर उसने ये किया, लेकिन चारों मेडिकल वाले यही काम कर रहे हैं। कोई बाद में सिरप में दवा मिलाकर बेच रहा है तो कोई सामने मिलाकर दे रहा है। वहीं इस तरह के कार्य होने के बाद प्रशासन की उदासीनता पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिरोजाबाद का जिला प्रशासन और ड्रग विभाग इंस्पेक्टर इस गंभीर मसले पर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या ऐसे मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे या फिर ये लोग यूं ही युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेंगे? KIA न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद।